लंबे गहरे श्वास, पूरा लेना पूरा छोड़ना। तो एक क्षण भी कोई भूल चूक नहीं करनी। भूल हो जाती है तो लिख लिया करो, इसलिए मैं डायरी रखता हूं। और आपको एक बात कहता हूं, एक छोटी सी डायरी और पेन, आजकल तो मोबाइल आ गया है, लेकिन मोबाइल में भी मामला गड़बड़ है, बीच में कोई चुरा लेता है, सारा डेटा गायब हो जाता है अपनी। क्योंकि डायरी तो कोई लेके जाएगा नहीं, मोबाइल तो 10-20-50 हज़ार 1-1 लाख के आने लग गए, इसलिए भीड़ में सबसे पहले मोबाइल ही जाता है। आज तक मेरी डायरी गायब नहीं हुई है 30 सालों में, कोई उठा के नहीं लेके गया, क्या करेगा इसको। और पेन रखता हूं सस्ता सा, लिखने में कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं। मैं बच्चों से बोलता हूं, लोग बच्चे ना 1-1, 2-2, 5-5 लाख रुपए का पेन रखते हैं। मैंने कहा बेटा तुम ये पेन कितने रुपए का रखते हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, तुम सिग्नेचर करते हो तो उससे कितना चेक ड्राफ्ट कैश हो जाता है, तुम लिखते हो उससे तुम इतिहास बना रहे हो या इतिहास मिटा रहे हो। तुम्हारे कलम में ताकत होनी चाहिए, तुम्हारे सिग्नेचर में ताकत होनी चाहिए, तुम्हारे शब्दों में ताकत होनी चाहिए। सुनो, आपको बात ये कहना चाहता हूं, जो तुम्हारी भूलें हैं ना उनको लिख लो डायरी में, क्या क्या भूल करते हो। पानी कम पीता हूं, ये मेरे वाक्य क्यों निकला, क्योंकि ये गड़बड़ मैं भी करता हूं। ये भूल मैं भी करता हूं, क्यों, पहले मैंने ये मेरी भूल शुरू हुई मजबूरी में, क्योंकि मैं 10-10 प्रोग्राम करता था दिन में, तो ज्यादा पानी पीऊं तो बार बार ये जाना पड़ता था, तो मैं कम पानी पीता था। तो मैंने अपनी डायरी में लिख रखा है रोज 3-4 लीटर पानी पी रखा है, पीना है ये ऐसे। फिर खाने पीने में बड़ी भूलें ऐसे करता था। देखो दो तरह की भूलें होते हैं, एक होते हैं ज्यादा खाने वाले, मैं हूं थोड़ा कम खाने वाला। मैंने लगभग 15-20 साल तक नाश्ता ही नहीं किया, करीब 18 साल तक तो मैंने खाना ही नहीं खाया, वो अलग बात है। तो पहले मैं इसलिए नहीं नाश्ता करता था, मैंने कहा जब देखो तब खाना, और खाने में फिर क्या होता था, मुझे नाश्ता कराएं तो 10-20-50 बैठ जाएं। तो मैंने वो कार्यक्रम ही बंद कर दिया, उस समय फिर संस्था के और संगठन के काम करता था। तो मैंने कहा चलो एक समय तो कम हुए लोग, क्योंकि मैं घुमक्कड़ ही रहा हूँ ना, मेरे जितना घूमने वाला भी धरती पर इस समय मौजूदा जमाने में शायद ही कोई होगा। 20 लाख किलोमीटर से ज्यादा घूमा हूं मैं, 20 लाख किलोमीटर। तो मुझे लाखों माँ बहन बेटियों ने बोला होगा बाबा जी सुबह से शाम तक इस पेट को ठोकते ही रहते हो, कुछ खिला भी दिया करो इसको, दया नहीं आती आपको। ये पेट भी सोचता होगा किसके पल्ले पड़ गया, खिलाता कुछ नहीं, ठोकता रहता है सुबह से शाम तक। सुनो, एक छोटी सी डायरी रखा करो, उसमें लिख लिया करो क्या क्या भूल करते हो, छोटी छोटी बातें। दवाई नहीं खाते, अब यहीं बैठे हुए मैंने सबको बोला हुआ है पीड़ा नील गोल्ड रोज खाया करो, जिनको बहुत ज्यादा दर्द हैं कहरा रहे हैं, अजी भूल गए थे। डॉक्टर ही भूल जाते, डॉक्टर नहीं मैं बोल, अरे मैं बोल रहा हूँ, डॉक्टर ने नहीं बोला, उसने नहीं बोला, किसने नहीं बोला, जब मैं बोल रहा हूँ तो भाई जब उपवास भी कर रहे हो तो 2 की बजाय 1 गोली खा लो। जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हाइपरटेंशन है तो खाने से 15-20 मिनट पहले, जिनको ना एसिडिटी है ना हाइपरटेंशन है तो 1 घंटा पहले खा लो और गोली चबा करके खा लो, तो जाते इंस्टेंट बेनिफिट होता है, विद इन ए मिनट एक्शन होता है, नहीं तो गोली का
कैप्सूल का जो भी आपको देते हैं उसका घुलने का टाइम ही होता है। हाँ, घुलने का टाइम होता है कोई भी। ये दवाइयाँ क्यों थोड़ी सी हार्ड बना के क्यों देते हैं? नहीं बनाए तो थोड़ी देर में भुर्रा जाए, फिर कहेंगे दवाई नकली होगी, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई होगी, रिएक्शन हो गया होगा। इसलिए एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, कोई भी गोली दवा उसका डाइल्यूट होने का एक टाइमिंग सेट करते हैं, सेट पैरामीटर होते हैं। तो उसको 15 मिनट से लेकर आधा घंटा लग जाता है उसको डाइल्यूट होने में। तो सबसे अच्छा है गोली को चबा करके खाओ, और उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो फिर उसको पानी में घोल के खाओ, पानी में डाल दो। अब पेट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, इसलिए वहाँ जल्दी हजम हो जाते। बाहर तो सामान्य टेम्परेचर पर गोली को डाल दो तो 1 घंटे में 2 घंटे में घुलेगी, वो सीधी सी बात है। इसलिए हम कहते हैं पेडानिल गोल्ड खाओ, चाहे मुक्तावटी लो, मधुनाशिनी लो, लिवो ग्रिट लो, खाली पेट देते हैं ना ये खाली पेट गोली चबा करके खा लो, टुकड़े टुकड़े करके खा लो, ज़्यादा कड़वी थोड़ी है कोई। हाँ, दांत में चिपकता है थोड़ा बहुत तो जिनको चबा कर खाने में दांत जाड़ में चिपकता है, किसी के बीच में वो कैविटीज बनी हुई हैं, फिर उसमें जीभ लगाते रहते हैं, इधर घुस गए उधर घुस गए, फिर तिनके तोड़ते रहते हैं भीतर, फिर तिनका टूट जाता है बड़ा कार्यक्रम तो क्या किया करो, डॉक्टर साहब कह रहे उसको अपना डाइल्यूट करके पानी में डाल दो, छोटे छोटे टुकड़े करके। हाँ, तेज पानी में डालना पड़ता है, सबके कमरों में गर्म पानी की केतली है। अभी मैंने, क्योंकि अब कल मैं सब विजिट करके आया सारे ट्रीटमेंट सेंटर, अभी सारे ट्रीटमेंट सेंटरों में दिवाली से पहले पहले सब जगह हीटर लगा दे रहा हूँ। तो जो थोड़े बहुत कमज़ोर जीव जंतु हैं ना, तो उनको मालिश करते समय भी थोड़ी ठंड लग जाती है, ट्रीटमेंट लेते समय भी थोड़ी ठंड लग जाती है। कोई ट्रीटमेंट बंद नहीं होगा, सारे ट्रीटमेंट चालू रहेंगे दिवाली से पहले पहले। अभी 2-3 दिन के अंदर सभी कमरों के अंदर ट्रीटमेंट सेंटर्स में हीटर लगा दिए जाएंगे, तो और ज़्यादा आपको सुविधा रहेगी उससे, क्योंकि सबके एक जैसे अभ्यास नहीं, और फिर भी आधा आधा घंटा नंगा होकर के बैठना पड़ता है ना, तो सारे हीटर आदि लग जाएंगे, कोई बात नहीं। 2-1 लाख रुपए का बिजली का बिल बढ़ेगा, आपसे लोग दान मांग लेंगे। अरे ये सालाना तो ऐसे ही तो है, क्योंकि मैं जिस दिन भी दान मांगता हूँ कम से कम 5-10 लाख रुपए से कम तो मिलता नहीं है, क्योंकि मेरा लेवल भी तो इंटरनेशनल लेवल का भिखारी हूँ मैं। हाँ, किसी दिन मांग के मैंने खूब ट्राई करके देखा, 5-10 लाख रुपए से लेकर के मैंने एक एक दिन में 5-5, 10-10 करोड़ रुपए लोगों से दान इकट्ठा किया है। तो इतना बड़ा ही पतंजलि योगपीठ बना है, बाकी यहाँ तो दादालाई कुछ है ही नहीं भाई। यहाँ कोई सदियों से बनी हुई कोई पीठ थोड़ी कि ये मंदिर 500 साल पुराना है, ये पीठ 1000 साल पुरानी है, ये तो 25 साल पुराना कार्यक्रम है सारा। हाँ, प्रामाणिक है, एक संकल्प है, एक एक श्वास सेवा के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, मानवता के लिए जी रहा हूं और अंतिम श्वास तक जीवूंगा, ये पक्का है। मर सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन धोखा नहीं कर सकते, किसी भी स्तर पर धोखा नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई विश्वासघात नहीं, कपाल भाती करो। तो सुनो, मैं आपको बात कह रहा हूं 100% जैसे कह रहा हूं वैसे करो, बस आज एक ही बात के ऊपर बल दे रहा हूं, 100% आपको रिजल्ट दिए, 100% योग वैसे ही करो, आयुर्वेद का प्रयोग करो, जड़ी बूटियां ऐसे लो, 100% ट्रीटमेंट लो, जो जो थेरापी जिसको बताई हुई पूरी लो, और मन में कोई उथल पुथल मत रखो। कुछ लोग हमेशा उचक पुचक, हमेशा ऐसे बेचैन आत्मा, अशांत आत्मा, हमेशा निराशा की बातें, नकारात्मक बातें, नहीं, अब आ गए हो और यहां आपके लिए बेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। जिसने 100% यहां पर जैसे बताया वैसे किया, उसको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है 10-15 बीमारियों में। अब देखो, मैं 3 स्तर में बांट रहा हूं बीमारियों को, जिनका एक क्षण में रिजल्ट मिल जाता है। मैं एक क्षण में ठीक करता हूं, मैंने सेकंड में आते में बोलता हूं, पहले दिन से तुम्हें भी बोल रहा हूं,
किसी को यहां 7 दिन हो गए, किसी को 15 दिन, और कुछ तो एक एक महीने से डटे हुए हैं। तुम ईश्वर की संतान हो, तुम गौतम कणादे जमनी पाणिनी पतंजलि भगवान राम कृष्ण के वंशज हो, तुम एक महान आत्मा हो। अपने भीतर निराशा मत रखो। तो यहां बैठते ही डिप्रेशन गायब। जैसे हरियाणा का आदमी कह रहा था ना, बाबा जी बस आपने एक वाक्य बोला और मेरा डिप्रेशन दूर हो गया, दवाइयां छूट गई। डिप्रेशन यहां एक ही सेशन में दूर हो जाता है। एक इन्वायरमेंट ही ऐसा है, पूरा वातावरण ही ऐसा है, चारों तरफ से ऊर्जा तरंगे ही ऐसी हैं यहां। एक क्षण में आते ही पहले ही दिन से डिप्रेशन गायब। जिनको नींद नहीं आती, कितने लोग आए हैं पिछले 2 महीने में, मैं देख रहा हूं यहां 1.5-2 महीने, कितने दिन हो गए, अभी करीब दूसरा में, अभी 1 महीना 20 दिन हो गए हैं योगग्राम खुले हुए दोबारा लॉकडाउन के बाद। 7-7 दिन से घर में नींद नहीं आ रही थी, 5-5 दिन से पागल हो। बोले जी अभी कल एक बहन आई, एक पहले बहन आई थी मैंने जिसका, स्वामी जी पागल हो गई हूं, नींद नहीं आ रही है, 7 दिन हो गए हैं सोई नहीं हूं। यहां पर भी आकर के 2 दिन तक तो ऐसे ही बोलती रही। फिर मैंने उसको बोली ये पॉइंट दबा, उसके पॉइंट दबा दिए। दोपहर को उसको खाने में प्याज खिला दिया, मेधावटी दे दी। 3 दिन तक कमरे से उठ के ही नहीं आई, सोती रही। मैंने कहा क्यों नहीं आ रही? बोले जी नींद इतनी आ रही है, पिछले वाली सारी कसर निकल रही है। नींद कोई, नींद ना आना कोई बीमारी है? अपने मन को तसल्ली दो, विश्वास करो, जैसे बता रहे वैसे करो। बीपी पहले दिन से गायब। अच्छा बताओ, मैं ये इंस्टेंट बेनिफिट बता रहा हूं 10वीं बीमारी के। कितने लोग हैं जिनकी ब्लड प्रेशर की गोलियां बंद हो गई हैं, जरा हाथ उठाना। जिनकी बीपी की दवाइयां बंद हो गई हैं, वही तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यही उदाहरण है। बीपी की दवाई पहले ही दिन से बंद। आराम आराम से योगाभ्यास कराते हैं, खान पान चेंज कर देते हैं, उनको बोलते हैं सहज रहो, प्रसन्न रहो। यही शहीद हो जाऊंगा, हाँ, लेकिन मर जाऊंगा, लेकिन बीपी की दवा नहीं खाऊंगा। और कल डॉक्टर 8 नंबर कमरे में डॉक्टर साहब से नपाने गया, उन्होंने कहा आपका बीपी बिल्कुल ठीक है। कितना में निकला? बिल्कुल नॉर्मल निकला, 80-120 निकला। और शुगर? शुगर तो हमने कल नापी थी, 114 थी। शुगर भी नॉर्मल। बीपी कितने साल से थे बीपी? बीपी हम 11 से है। 11 साल की बीमारी और पहले दिन से ठीक। कुछ तो ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा होकर के आते हैं कि हमको दवाई छोड़ने के लिए जाना है। अब दवाई घर में छोड़ दो तो वहां संभाले कौन? उपचार नहीं, वातावरण नहीं, वैसे पूरी लाइफस्टाइल नहीं। जिनको भी दवा छोड़नी है, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रोल, गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पहले ही दिन से दवाई बंद। ये कोई छोटी बात है? सारी दुनिया में 90% दवाइयां इन्हीं चीजों की खा रहे हैं और सारी दुनिया हमको जहरीला बना रहे हैं। पहले ही दिन से काम कर देते हम। झंझनाट थी, पैर में झंझनाट, चला नहीं जा। अब मैं पूरा चल लूं और दौड़ कहो तो दौड़ भी लगा दूं। और 5 या 6 ही दिन हुए, 5 ही 6 दिन हुए। और उम्र कितनी है? उम्र कितनी? 79। दौड़ लगाने की बात कर रहे हैं बाबा जी। हेम सिंह प्रधान, शेरपुर से, दिल्ली 94। ये कल मिले थे मुझे बाबा जी ट्रीटमेंट सेंटर में, आज मैं आपके साथ। दौड़ लगाने की बात कर रहे हैं अभी, बताओ। पेट की है, लेकिन आज मुझे कुछ पेट में हुई है, तसल्ली हो। तसल्ली? हाँ। पेट की एक तो आसन, और मैंने कहा ये मिट्टी की पट्टी घर पे भी करना। और गोड्डे दुखते थे, झंझनाट होती क्या? झंझनाट थी पैर में, चल नहीं जा, चोट थी पहली पुरानी तो उससे। और पेट में भी गड़बड़ जब हुई है, मेरा हार्ट अटैक हुआ था सन 2001 में, तो उसमें घी और दूध छुटवा दिया डॉक्टर ने। हम दूध घी, मतलब अपने घर के होते हैं भैंस गाय, हमारा दूध का काम अपना, तो दूध घी से ही छोड़ते ही नर खुश की आगे पे। बस उससे ही मैं
वो हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, हौसला बनाए रखा, शक्ति है, सब कुछ कर लेता हूँ, सब कुछ एक्सरसाइज 79 के पूरा ये है हिम्मत और हौसले से। देखो आपके दीवाने रामलीला ग्राउंड में भी, प्रदर्शन में भी शामिल थे। देखो मेरा दीवाना है, मैं भी मेरे दीवाने और दीवानियां बहुत हैं सबके लिए। नोएडा में भी, गुड़गांव में भी, श्यामगिर बाबा कश्मीर गेट, शास्त्री पार्क, सब जगह तैयार है, बाबा जी के साथ है भाई, सारे शिविर अटेंड किए। बात आशीर्वाद बाबा जी, प्रणाम। देख ऐसा हौसला होना चाहिए बाबा जी, गुड्डे दुखते हैं, कमर दुखती है, ये दुखता, अरे जब बता रखा उसको करो, रोते रहते हैं, प्रोसेस फॉलो करो 100% है, ये कुछ कहना चाहिए। ओ स्वामी जी प्रणाम, कोट करो, अनुलोम विलोम करो। स्वामी जी मुझे 25 साल में अर्थराइटिस हो गया था, और जब से फिर 25 साल की उम्र में ये लग रहा था कि 30 हो जाए पूरी तो बच्चे बड़े हो जाए, तो ऐसे लग रहा, लेकिन कहीं कोई दवाई, फिर कोई चूरन, कोई कुछ भी, झांसी से आई हूँ मैं यूपी से, और इस समय 67 की हूँ, 2006 से आपका योग कर रही हूँ, और फिर 10-11 में लाइव मेंबर बनी, जब से मुझे इतनी तकलीफ थी, टॉन्सिल, साइनस, हर 15 दिन 10 दिन में बुखार आना, जुकाम होना, किसी के घर का पानी भी नहीं पी सकती थी, इतनी छींके, खांसी सब, और फिर शुगर हो गई, 17 साल हो गए, लेकिन शुगर की भी गोली अभी यहाँ छूट गई, नींद थोड़ी टेंशन घर में हो गई बाद में, तो उसकी वजह से नींद 15 साल से नहीं आई, पिताजी ख़त्म हो गए तो उसमें, लेकिन आप 2 दिन से गोली नहीं खा रही, और घुटने का दर्द चला गया, कमर का दर्द चला गया, और स्वामी जी घुटने का दर्द, कमर का दर्द, नींद की गोली, जो घर भीतर बीमारियां ना घर कर लेती हैं। अगर मैं रात भर नहीं सोऊं, लेकिन इतनी श्रद्धा है कि ये तो अमृत है, ये कभी निष्फल नहीं हो सकता, कभी ना कभी तो होगा, तो मैं रात भर सो के 4 बजे सुबह उठ के नहा के फिर से प्राणायाम करती हूँ, 2 घंटे पूरा करती हूँ, और सुंदरकांड भी याद तो उसी में करती भी जाती हूँ, एक्सरसाइज होता जाता है, और कभी भी मतलब आपसे इतनी श्रद्धा है, इतनी भगवान आपको बहुत आयुष दे, और आपके सब म्यूजिक वाले, यहाँ का स्टाफ सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ठीक है, क्या नाम माता? सीता नाम है स्वामी जी, आपके लाइफ मेंबर भी हूँ, और प्रणाम सीता माता। स्वामी जी देखो बहुत। ये 25 माने इसको करीब करीब जो है 40-45 साल से दर्द था, अर्थराइटिस, घुटने का, कमर का, साइनस, में बैठ सकते थे और ना, बीच कुछ बीच में घर में जीवन में तकलीफ में, मैं कहता हूँ जिंदगी तो आंधी और तूफानों के बीच, झंझावातों के बीच, दर्दों के बीच जीने, अब बहुत दर्द आ गए लाइफ में, अब एक एक करके कटते। अब स्वामी जी बस यही है, योग करते ही करते मरना है, जिससे करते पैदा हूँ तो करते करते योग स्वस्थ रहूँ, और आपके पतंजलि में पैदा हूँ, बस यही मेरी अंतिम इच्छा है, परिवार में पैदा होना चाहती है बस। अब अगले जन्म में आएगी तो जो है जी फिर यही योग कराऊंगी सबको, पतंजलि गुरुकुल में भर्ती कर लेंगे जी, स्वामी जी। एक बात सच्ची है, जो जैसी भावना रखता है ना वो वहीं आ जाता है। और स्वामी जी कम से कम 25-26 लोगों के बच्चे हो गए, मैं आपने जो शिवलिंगी पुत्र जीवक गिरी बताते हैं, और वो सबको बताती हूँ, जिनको बच्चे योग की भी कराती हूँ, ये सबको योग कराती है, सबको बताती रहती है जी, बालक भी पैदा कर दिए, भगवान आपकी बहुत लंबी उम्र करे, आप संसार को बहुत कुछ दे सके। अब अगले जन्म में आप छोटी गुड़िया बन के आओगी, अब तो इतनी बड़ी हो, गोद में कैसे खिलाऊं जी स्वामी जी, जी स्वामी जी, इनकी यही इच्छा है कि बाबा जी की गोद में खेलूं और मुझे बड़ा बना के विदुषी बनाए, बचपन में योगी बना दे। चलो ये इच्छा पूरी होती है, हाँ सच्ची बोलता हूँ, जैसी इच्छा रखते हो। गीता का श्लोक है, यम यम मापि स्मरण भावम त्यज्यति कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तदभाव भाविता। अनुलोम विलोम करो, तुम तो खाली प्रवचन सुन रहे हो। कुछ कह रहे थे भाई? हाँ ओम स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी 2017 में मुझे ILD लंग फाइब्रोसिस डिटेक्ट हुआ था। लंग फाइब्रोसिस जी, लेकिन उसके बाद योग से थोड़ा थोड़ा आराम मिला, 2018 तक काफ़ी ठीक हुआ, फिर बीच में कुछ ढील दे दी तो फिर ट्रिगर हो गया। उसके साथ आरए तो निगेटिव आया, लेकिन नीज और एंकल में स्वेलिंग बहुत बढ़ गई थी पिछले 6 महीने से,
तो अभी आया हूँ तो नीज़ और एंकल्स में तो काफ़ी आराम है, लेकिन स्टेरॉइड भी टेपर हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन ज़्यादा ब्रीदिंग में आराम अभी तो 3 दिन में नहीं मिला है, उसके लिए कुछ बताइए स्वामी। अब ये भी दोनों बातें बता देता हूँ, ये स्टेरॉइड ये सारी चीज़ें खा खा करके ना बहुत बुरा हो जाता है। मैं कहता हूँ ये स्टेरॉइड तो जहर का काम करता है। स्टेरॉइड से क्या करते हैं, वो स्टेरॉइड से शरीर को उत्तेजित करते हैं। एक सिंपल फिलॉसफी है स्टेरॉइड की, शरीर जो काम कर रहा हो उसको 10, 20, 50, 100 गुना उत्तेजित कर दो, जितनी हाई डोज लोगे उतना ही शरीर अतिरिक्त उत्तेजित हो जाएगा, काम करने लग जाएगा और बाद में सिस्टम तो ठीक होते नहीं, फिर बैठ जाएगा। तो भाई इमरजेंसी में कोई आदमी मर रहा हो तो उसको स्टेरॉइड दे दें, अलग बात है। जैसे लंग जब लंग पर अटैक हो जाता है अस्थमा का, तब स्टेरॉइड देते हैं तो कम से कम सांस चलनी शुरू हो जाती है, तो लंग की कैपेसिटी एकदम से ऐसे बढ़ जाती है, आदमी मरने से बच जाता है। ये इसलिए मैं कहता हूँ इसको छोड़ करके, अभी जैसे अर्थराइटिस के लिए मैंने कहा, एक बात आपको बताता हूँ, एक बात जो बिल्कुल मैंने सच पाई है असाध्य रोगों पर, सामान्य रोगों पर तो सामान्य दवाएं काम कर देती, जिनमें कोई दवाई काम नहीं करती वहां स्वर्ण भस्म कितनी मात्रा होती है उसकी, मिलीग्राम में, माइक्रो मिलीग्राम, बहुत थोड़ी सी मात्रा होती है। अब ये जो हम स्वर्ण भस्म के योग देते हैं, ब्रेतवा चिंतामणि योगिंद्र सरसरा सरसर पेड़ नील गोल्ड आदि, इसमें सोने की भस्म ग्रामों में थोड़ी होती है, ग्राम तो सोना 1 ग्राम कितने का आता है, फिर भस्म उसको बनाना प्रोसेस करना 3-4 गुना उसका रेट हो जाता है। थोड़ी मात्रा में पीड़ा नील गोल्ड जैसे काम करती है, ऐसे ही अस्थमा में अनुलोम विलोम कर लो, श्वासारी त्रिकुटा शीतोपलादि 20-20 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती 3 ग्राम तक दे देते हैं हम महीने में, 3 ग्राम के अंदर जो है थोड़ी मात्रा में सोना होता है, 200-300 मिलीग्राम कितना होता होगा लिखा रहता है उसके ऊपर, एकदम से फेफड़ा स्टेरॉइड पहले ही दिन से बंद हो जाएगा। अब जैसे तेरा स्टेरॉइड बंद हो जाएगा और तेरा लंग फाइब्रोसिस, अच्छा ये जो मैं बता रहा हूं श्वासारी त्रिकुटा शीतोपलादि 20-20 ग्राम, अभ्रक भस्म 5 ग्राम, 10 ग्राम ले लेना तुम तो, और मोतीपृष्टि 2-4 ग्राम, और स्वर्ण वसंत मालती 3-5 ग्राम ले लो पहले महीने, फिर 5 ग्राम से 3 ग्राम, 3 ग्राम से फिर 2 ग्राम तक बहुत रहेगा तुम्हारा लंग, और फिर प्राणायाम करते रहना, और यहाँ जो लेप लगाते हैं ना लहसुन का और प्याज आदि का जो भी, वो सब लेप आदि लगाओ और बस पूरा 100% ठीक हो जाएगा। मैंने लंग फाइब्रोसिस के आज से करीब 20 साल पहले रोगी अच्छे कर रखे, वो सुन रखा था मैंने पारुल जी का, हाँ वो मैं रोज सुनता था और वो मैं भी पहले काफी उदाहरण देता था, पारुल और 2 बहनें थी वो मेरे से अमेरिका में मिली ठीक हो करके, उनका डॉक्टर आया मेरे पास, ह्यूस्टन की बात है, अमेरिका के सबसे बड़े सर्जन है लंग ट्रांसप्लांट करने वाले, बोले स्वामी जी हम इसलिए मिलने आए हैं, वो उस पेशेंट को हमने डेट दे रखी थी 4 या 6 महीने की, वो बाद में आई तो उनका लंग टेस्ट किया तो 100% अच्छा हो गया। हमने कहा तुमने किया कैसे, उन्होंने कहा कि हमने प्राणायाम किया खाली, तो बोले जी हम इसलिए मिलने आए हैं कि ये है क्या ये चीज, हमने तो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में देता है कि लंग फाइब्रोसिस का कोई रोगी ठीक हो जाए, और तेरे भी लंग फाइब्रोसिस, चलो इसको देना भाई, ये देखो यही बैठी हुई है, ये एक इधर जो है इसको थोड़ा ठीक हुआ है, ये इधर ठीक हुई बैठी है, कोई भी बीमारी तुम ढूंढोगे ना। कोविड 3 महीना पहले हुआ था तो फिर मैंने उसका चेस्ट पेन और सांस लेने में तकलीफ थी, तो मैंने सीटी स्कैन कराया तो उसमें लंग फाइब्रोसिस और सिस्ट दिखाया था, तो 3 दिन तो डॉक्टर दवा ली, प्रॉब्लम बढ़ा, फिर मैं प्राणायाम 6 से 8। नाम बेटा आपका? दीप्ति जायसवाल। दीप्ति, हाँ। और यहाँ डॉक्टर पार्थ आए थे ना, उनको भी मैंने सीटी स्कैन का रिपोर्ट दिखाया तो उन्होंने भी कहा लंग फाइब्रोसिस है और सिस्ट है लंग्स में, तो वो भी MBBS MD डॉक्टर तगड़ा सूर्यवंशी पार्थ, तो मैं उनका नंबर ली, मैं बोले जाऊंगी ना तो मैं फिर से सीटी स्कैन कराऊंगी, आपको रिपोर्ट भेजूंगा, आप बताइएगा मेरा ठीक है कि नहीं, क्योंकि अब मैं ना दौड़ती हूँ यहाँ पे, तो दौड़ती है तो सबसे बड़ा टेस्ट हो गया। हाँ, सांस लेने में भी तकलीफ नहीं है, ड्राई कफ था वो भी चला गया, ये तो सबसे बड़ा टेस्ट है कि दौड़ रहे हो, सांस पेन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझे तो लगता, मुझे अब तो लगता है मैं पिकनिक मनाने आई हूँ, बस ऐसे टाइम पास कर रही हूँ, योगा करी, घर जाकर मैं करूंगी प्राणायाम 2-3 घंटे मिनिमम करूंगी, रोज ठीक भी हो गई तब भी, ऐसे मैं 6-8 घंटा कभी कभी 12 घंटा। ये छोटी गुड़िया जैसी दिख रही है 15-20 साल की, कितनी साल की हो गई है?
33 साल की है। दो बच्चे भी है, खुद बच्ची जैसी लग रही है। जोर जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। इसने पूरा कर लिया प्राणायाम, पूरा प्राणायाम करो। और औषधि क्या क्या लिया बेटा? आपका लंग फाइब्रोसिस का यूट्यूब में देखी थी, तो उसमें आपने कहा था कि तीन चीजें करो। एक एक्यूप्रेशर लंग्स के लिए जो आपने बताया था, तो वो कपाल भाती करते समय मैं करती थी। ऐसे बताता हूँ मैं आपको, बताया हुआ है, लेकिन तुम करते कहाँ? दवाई आपने जो बताया था ना, ये अभ्रक भस्म, स्वर्ण वसन मालती, ये सबका ले करके, और कंचना गुलगुल, कंचनार गुलगुल लेती थी, और संजीवनी वटी, और हाँ लक्ष्मी विलास वृद्धि का वटी सब लेती थी, और वो सब की तीनों साथ में, और अनाज छोड़ दी। मैं अनाज यहाँ आके खा रही हूँ तो मुझे 56 भोग जैसा लग रहा है। अनाज ही छोड़ दिया। इसने कहा कि एक बार जो है ये गंदगी साफ होनी चाहिए। कुछ भी नहीं, चाय कॉफी बाहर का खाना, डब्बा बंद खाना, कुछ भी नहीं। मैं बॉयल वेजिटेबल सूप और ड्राई फ्रूट्स फूला हुआ, बस इतना ही मैं रहती। तो हस्बैंड कहते कुछ खा लो नहीं तो मर जाओगी। मैंने मरने से ही बचना है मुझे। बाबा जी का मतलब मैंने सुना था कि आते हैं ना आस्था चैनल में, स्वामी बालकृष्ण बोलते हैं अनाज ये रोगी का विकार कुछ ऐसे बोलते थे, तो मैंने अनाज छोड़ दिया। चलो दीप्ति को दीप्ति मिल गई है। चलो बहुत बहुत अभिनंदन, आशीर्वाद बेटा। और बाबा जी मैंने 14 साल का कमर दर्द, मैं जमीन में बैठती नहीं थी 14 साल से। हाँ मैं सपोर्ट लेती थी, वो भी कुर्सी में पिल्लो लेकर के। सर्वाइकल पेन हुआ, कमर दर्द हुआ, डॉक्टर ने कहा ना कि आपका तो हड्डी कमजोर है बूढ़े लोगों जैसा है। और जब से ये लंग फाइब्रोसिस को लेकर के मैंने प्राणायाम किया ना, तब मैं मतलब जो प्राणायाम तो पहले लेट के करती थी, अब मैं बैठ के करने लगी। मैं खुद शॉक्ड हो गई, मैं 6 से 8 घंटे बैठ कैसे सकती हूँ कमर सीधा करके, ये लो। और दर्द भी नहीं है, मैं खुद हैरान हूँ। मुझे पता होता तो मैं पहले से कर लेती। 15 साल दुख पाई है। चलो तेरी से बाद में पूछेंगे, तेरा क्या ठीक हुआ? कॉन्स्टिपेशन, ये भी बहुत प्रॉब्लम है बचपन से। जैसे मुझे भी बचपन से कुछ प्रॉब्लम थी, उसमें कॉन्स्टिपेशन भी एक था, दर्द एक था। चलो स्वामी जी प्रणाम। मैं दिल्ली से आई हूँ, मेरा नाम आभा है। और पास में रखो मैं खान। मैं दिल्ली से आई हूँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप एक सबके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल है, और आप बहुत इंस्पायर कर रहे हैं आज की डेट में सबको। मैंने लॉकडाउन में आपका पूरा योगा सेशन देखा, एंड मैं इतनी इंस्पायर हुई, मैं अपने हस्बैंड को बोलती रही कि मुझे यहाँ जाना है, जाना है, जाना है। मुझे बचपन से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, जो कि मुझे यहाँ 1 वीक, आज मेरा लास्ट डे है, और मेरा हर दिन पेट क्लियर हो रहा है। जब से मेरा SP हुआ है तब से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की, और बॉडी इतनी हल्की फील होती है। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 35 ईयर्स एज है। 35 ईयर्स। देखो ये योग करने से ना, और पूरा क्लीन होने से सिस्टम, उम्र भी कम लगती है। मैं सोच रहा था ये बिना शादीशुदा होगी। नहीं। और स्वामी जी मेरा एक हफ्ते में 5 किलो वेट भी कम हो गया। 5 किलो वेट कम हो गया, और बचपन का कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया। तो अब तो हस्बैंड को जब बताया होगा बड़े खुश हुए होंगे। वो आए नहीं है क्या? नहीं स्वामी जी, अगली बार उनको भी लेके आना। बिल्कुल लेके आऊंगी। एंड स्वामी जी मुझे 2-3 साल से कुछ स्किन के इश्यू आ रहे थे, तो मैं आपका पतंजलि के मेडिसिन ले रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ, उससे मेरे सारे प्रॉब्लम स्टॉप हो गए। बट यहाँ आके उस पर नेचुरोपैथी के थ्रू जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, मुझे और लॉन्ग स्टे करना पड़ेगा। बट इस टाइम तो नहीं, बट मैं नेक्स्ट टाइम लॉन्ग स्टे के लिए पक्का आऊंगी। दीपावली के बाद फिर आ जाना। जी स्वामी जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम फिर से, मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दीवाली। आभा सिंह। चलो आभा जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। तो अब आभा की बात, बाहर भी एक आभा आ गई है, सूरज की आभा के पास चलो। अब इधर वाली आभा की तो आभा बढ़ गई है ऐसे, बाकी बाद में आके पूछेंगे। अभी कुछ और भी कहना चाह रहे हैं। देखो हमेशा पॉजिटिविटी में रहो, उत्साह में रहो, और सुबह से शाम तक एक अनुष्ठान की तरह जिंदगी को जियो। चलो अब थोड़ी देर त्राटक करा देते हैं। रोज सूर्य उदय, सूर्य के दर्शन मात्र से भी एक अलग प्रकार की ऊर्जा मिलती है, एक अलग प्रकार का उत्साह मिलता है, प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है। ओम ओम ओम। तो ऐसे जिसको जगह मिले, जहां बाईं तरफ तक काफी जगह है, दाईं तरफ भी काफी जगह है, बैठ करके, खड़े होकर के, पीछे तक पर्याप्त स्थान है। जो सामने वाले हो तो बैठ जाए करो, बैठ करके अच्छा होता है, प्राणायाम भी अच्छा होता है, ध्यान भी अच्छा हो जाता है।
जिसको जहां स्थान मिल रहा है सामने वाले बैठ जाया करो, पीछे वाले चाहिए खड़े रहो, इधर दाई तरफ वालों को सबको बैठा देना भाई, हाँ अच्छे से बैठ के करो, और पांच बार कम से कम दाई ओर से ऐसे आंखों की पुतलियों को अंदर ही अंदर घुमा लो ऐसे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे दस दस बार गोल गोल घुमा लेते हैं। और हमने कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए हैं योगाग्राम में, और मैं खाली योगाग्राम की बात नहीं कर रहा हूं, लगभग 30 सालों से मैं लोगों का उपचार कर रहा हूं। उस उपचार में यहां 5-7 बातें नई जोड़ी हमने। सूर्य का त्राटक ये मैं पहले कभी नहीं कराता था नियमित, जो पिछले लगभग 1.5 महीने से यहां पर करवा रहा हूं। इससे आंखों के रोगों में तो अद्भुत लाभ हुआ है, कैटरेक, ग्लूकोमा, नजर कमजोर, चश्मा हट गया लोगों का, -2.5 से लेकर के 5 तक का, बहुत बड़ी बात है। ये तो एक बात थी, इससे लोगों का डिप्रेशन दूर हो गया, और जिनको डायबिटीज थी उन्होंने कपाल भाती के साथ किया, जिनको हाइपरटेंशन हार्ट की प्रॉब्लम थी उन्होंने अनुलोम विलोम के साथ किया। तो कपाल भाती और अनुलोम विलोम के साथ 10-10 मिनट ऐसे त्राटक करा दिया। अभी आप कम से कम 5 मिनट कपाल भाती और 5 मिनट अनुलोम विलोम के साथ कर लो, इससे आंखों से लेकर के आंखों की ज्योति तो बढ़ती है, मैं दूसरे शब्द का प्रयोग करता हूं, इससे आत्म ज्योति बढ़ती है, आत्म ज्योति। आंखों पर थोड़ा जोर पड़ता है, पढ़ने दो, जिनको नींद पूरी नहीं आती, रात को नींद पूरी नहीं हुई है तो थोड़ा सा और जोर पड़ेगा, तो फिर आपको बीच बीच में 1-2 मिनट के बाद पलकें एक बार झपक करके 5-10 सेकंड विश्राम करना पड़ेगा। नींद कम आने से भी बीमारी होती है, नींद कम आने से डाइजेशन खराब होता है, नींद कम आने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नींद कम आने से हार्ट की प्रॉब्लम होती है, नींद कम आने से दर्दें बढ़ती हैं शरीर में, नींद कम आने से लीवर किडनी हार्ट लंग बॉडी की जो इंटरनल फंक्शंस हैं वो बाधित होते हैं। बहुत धीरे धीरे इतनी सहजता से करें कि आपकी पलकें नहीं झपकनी चाहिए, जागरूकता के साथ जीवन जीने का अभ्यास हो जाएगा। जो आज मैं बोल रहा था, भूले नहीं करो, भूल नहीं हो, भूल होने का एक ही कारण मैं बता पाया था अभी तक, गलत आदत, गलत अभ्यास, अजागरूकता, बेहोशी, आग्रह, भूलें हो जाती हैं हमारी दुराग्रहों से, भूलें करते रहते हैं। और शीत ऋतु में वह भी भोर का त्राटक अद्भुत शक्ति देता, अप्रतिम, अलौकिक, दिव्य शक्ति देता है। सूर्य अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवा पुनर्दत्तता घ्नता जानता संगमे मही, इसलिए वेद में कहा, श्रीमद् भगवत गीता में कहा, इस सूर्य का त्राटक करते करते जो सूर्य का भी सूर्य है उस परमात्मा से, जिसने हजारों सूर्य बनाए इस पूरे ब्रह्मांड में, अब तो ये विज्ञान से पता लग चुका है कि एक ही सूर्य नहीं है इस अस्तित्व में, इस ब्रह्मांड में एक ही सूर्य नहीं हजारों सूर्य हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि भाह सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् कुतोयम् अग्निः तमेव भान्त
अनुभाति सर्वम्, तस्य भाषा सर्वम् इदं विभाति, तमेव अनुभाति सर्वम्, तस्य भाषा सर्वम् इदं विभाति। सूर्य का त्राटक करते करते हम बच्चों को भी ऐसे अभ्यास कर रहे हैं, बच्चों को भी त्राटक कर रहे हैं। छोटे बच्चे भी यहां पर हैं, वो भी बिना पल का झपके ऐसे सूर्य को देखे। घर में दीपक का त्राटक करें, गाय का घी हम आपको शुद्ध रूप से उपलब्ध कराते हैं, उसका त्राटक किया करो। जिन घरों में यज्ञ होता तो यज्ञ में ही त्राटक किया करो, और यहां पर भी आपको यज्ञ करवाते, यज्ञ अवश्य किया करो। योग करने से, यज्ञ करने से, गाय की सेवा करने से, गरीब की सेवा करने से, पंछियों को दाना देने से, गाय को रोटी देने से, ये छोटे छोटे ऐसे पुण्य होते हैं जिनसे हमारे प्रारब्ध दोष कट जाते हैं। न जाने किस किस जन्म में हमसे क्या क्या भूले हुए हैं। जीवन अनादि है और अनंत है, और इस अनादि और अनंत के जीवन की कालक्रम में, कालचक्र में हमसे न जाने कितने जीवों का अहित हुआ होगा। मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत के हमसे जाने अनजाने में कितने भूले हुए होंगे, कितनी हानि हुई होगी। तो उस सारे हमारे पाप कट जाते हैं, हमारे पुण्य बढ़ जाते हैं। तो आपको कह रहा था मैं, ऐसे ही टकटकी लगा के देखना, थोड़ी देर में आंख से नाक से पानी आने लगता है, आने दो। आंखें थकती हैं ना, थकने दो ना, इससे तुम्हारे जीवन में दृढ़ता भी बढ़ती है। नहीं तो छोटी सी कोई मुसीबत आती है और हम डगमगाने लगते हैं। अडिग रहने की शक्ति बढ़ेगी। इसी को मैं बोलता हूं अखंड निष्ठा, योग में अखंड निष्ठा, संबंधों में अखंड निष्ठा, कर्म में, कर्तव्य में कर्तव्य निष्ठा, धर्म निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा, सेवा निष्ठा, योग निष्ठा, गुरु निष्ठा आपकी बढ़ेगी। कपालभाति अनुलोम विलोम के साथ कर लो, साथ में जिनको आंख की प्रॉब्लम है तो आंख का पॉइंट दबा लो पहली और दूसरी उंगली के नीचे, साथ में त्राटक भी हो रहा है, फिर आपका जननेति का अभ्यास होता है। जिसको आवश्यक होता है उसको हम फिर यहाँ अक्षय तर्पण भी करवा देते हैं। छोटी छोटी चीजें होती है, छोटे छोटे करेक्शंस, छोटे छोटे इनिशिएटिव्स, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में छोटे छोटे करेक्शन लेने से तबाही से बच जाते हैं। घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में जैसे छोटे छोटे करेक्शन लेकर के हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ लेते हैं, विजयी हो जाते हैं, ऐसे ही अपने हेल्थ के लिए भी छोटे छोटे करेक्शंस लेने हमें। इनका लंबा अभ्यास नहीं है वो बीच में थोड़ा 5-7 मिनट लगातार किया और बीच में थोड़ा विश्राम ले सकते हैं। एक बार पलक झपकी और फिर थोड़ा सा विश्राम मिल जाएगा। अभी हट, अब शुरू में तो हट ही करना पड़ता है। इसमें शुरू में आपको प्रारंभ में जब आदत नहीं होती है तो जोर पड़ेगा आंखों पर, पढ़ने दो ना, जोर ही तो पड़ रहा है ना, कोई आफत थोड़ी आ रही है। तो त्राटक करने के साथ साथ ऐसे ही जीवन के हर क्षेत्र में दृढ़ता बढ़ जाएगी आपकी, शौर्य पराक्रम वीरता बढ़ जाएगी। फिर जब थक जाए बहुत ज्यादा
जो पहले पहले बार कर रहे हैं, दूसरी तीसरी बार कर रहे हैं, कुछ सब तो लगातार करने लग गए, तब तो कोई बात नहीं। तो 5-10 सेकंड करके फिर विश्राम, बीच में पलक बंद करके फिर दोबारा कर लेना। ये शुद्धिकरण की भी प्रक्रियाएं हैं। सुबह सुबह आंखों के शुद्धिकरण के लिए भी त्राटक करना जरूरी है। आंख, नाक, कान, गला सब साफ हो जाएंगे, नहीं तो विकार इकट्ठे हो जाते हैं। चलो बाहर ऐसे 5-10 मिनट सूर्य देखा, अब अंदर देखो इसको, आज चक्र में देखो दोनों भ्रुवों के मध्य में, तो सूर्य जैसा अंदर दिखाई देगा। भ्रामरी करना, उद्गीत करना, तो अंदर का त्राटक हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा। ब्राह्मी के बाद उद्गीत, ओ जाते, थोड़ी देर शांत होकर के, बिना हिले डुले, बिना हाथ रगड़े, शांत होकर के कम से कम 3-5 मिनट का ध्यान तो सबको ही करना चाहिए। मैं बार बार एक बात कहता हूं, अपने स्वरूप में जीने का अभ्यास करो, स्वस्थ अपने स्वरूप में ठहरो, यही स्वस्थता है। जैसे हम अपने स्वरूप से, अपनी निजता से दूर होते हैं, वैसे ही फिर हमसे बहुत भूलें होती हैं, बहुत गलतियां होती हैं, दुख पाते हैं। जितने भी जीवन में रोग हैं, विकार हैं, दुख हैं, दरिद्रताएं, असफलताएं हैं, विफलताएं, उनका कारण है हम आप स्वयं से दूर हो जाते। इसलिए मैं कहता हूं बार बार अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास करो।
और भोर में जब ध्यान कर लेते हैं तो इस एहसास के साथ जीवन को जीते हैं, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, मेरा परमात्मा हर पर मुझे ज्ञान प्रेरणा शक्ति संवेदना दे रहा है और मैं उसी के लिए जी रहा हूं। ध्यान का अर्थ है अपने स्वरूप की जो हमसे विस्मृति हो रही होती है, नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः स्थितोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव, योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूप व्यवस्था। अपना स्वरूप हम स्वभाव से ही ज्ञानमय ज्योतिर्मय तेजोमय सुखमय शांतिमय आनंदमय आत्मा हैं और ये स्मृति बनी रहे, विस्मृति ना हो, धी धृति स्मृति की विस्मृति ही प्रज्ञापराध और सब रोगों का कारण है। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, आपस में रगड़ लेंगे, हाथ आंखों पर रख लेंगे, आंखें खोल लेंगे। चलो ये तो आज का त्राटक हो गया। ऐसे लगभग 5 से 10 मिनट का रोज त्राटक करना है। बैठो, सामने पैर खोल लो, सूक्ष्म व्यायाम कर लो। देखो तो एक बात आज आपको बताई मैंने, पूरा सार रूप में पूरे आज का सत्र का सार है, पूरा करो पूरा पाओ। बोलो पूरा करो पूरा पाओ। पूरा करना है और कोई उतावलापन नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, धीरज रखो। धृति क्षमा दमोस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रहः धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धीरज रखो। आपको जो करना है अपना पूरा करो। अब जैसे मोटापा वालों को मोटापा वाले अभ्यास 100, 200, 300, 300, 400, 400, 500 बार करवा देते हैं। मोटापा मतलब ऐसे हटता है। देखो वजन घटाने से लेकर के कोई भी बीमारी मटाने तक, कुछ भी जीवन में पाने के लिए एक ही बात रहती है, पूरे पागलपन से करो। क्या बोला? बोलो पागलपन, पूरा दीवानगी किसी भी चीज के लिए। एक लोक भाषा में कुछ वाक्य बोले जाते हैं, बोला आदमी ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। तो तुमको ऐसी ठान लेना आरोग्य के बारे में भी, और उसमें पूरा योग, चलो पूरा आयुर्वेद का प्रयोग, पूरी प्राकृतिक चिकित्सा, जो भी आपको यहां थेरेपी देते हैं। अब आप इतना कुछ कहना चाहते हो तो मैं बीच बीच में अवसर देता हूं। कोई भी तरह का कोई रोग है, तुम्हें कह रहा था एक लास्ट में भाई काफी देर से कुछ कहने के लिए उत्सुक थे, कहां गए हो? उधर पीछे की तरफ गोल गोल घुमा लो। देखो आज जो बात बता रहा हूं उसको जिंदगी भर याद रख लेना। जो आपको बताते हैं ना वो पूरा करना। तो कुछ बड़ी बीमारियां मैं अभी बता रहा, जिनके लिए सारी दुनिया में करीब 80-90% दवाएं खा रही हैं डेली, बीपी की दवा डेली, शुगर की दवा, थायराइड की दवा, कोलेस्ट्रॉल की दवा, गैस की दवा, एसिडिटी की दवा, स्ट्रेस की दवा, नींद की दवा, फिर ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है तो एंटीबायोटिक्स लेते हैं, फिर स्टीराइड लेते हैं, फिर न्यूट्रिशंस माइक्रो न्यूट्रिशंस के नाम पर, हे मेरे राम राम, कैल्शियम की दवा, विटामिन डी, विटामिन बी12, और सब जहरीली चीज़ें खाते रहते हैं। अभी
मैंने कहा ना, मैंने 30 सालों के बाद कुछ नए इनिशिएटिव लिए हैं, उसमें से एक ये भी है कि सब चीजों का प्राकृतिक विकल्प, विटामिन डी और B12 का भी। हाँ, क्या कहना है बेटा? चलो कर लो एक बार लंबे लंबे श्वास। हाँ, दे दो इसको बेटिया। प्रणाम स्वामी जी, मैं बनारस से आई हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे पिताजी हैं वो 2004 से आपके लाइफ से इंस्पायर होके, क्योंकि उनको पैरालिटिक अटैक आया था, तब से वो आपको फॉलो करते हैं। और जो आप कहते हैं ना 365 दिन योग, वो एक दिन भी योग नहीं छोड़ते, और वो तो कभी आपसे बोलने नहीं आएंगे, लेकिन हम लोगों को, हमारी पूरी फैमिली को आपने इतना सपोर्ट किया है इसके थ्रू कि मैं आपको उससे ज़्यादा ज़्यादा इससे ज़्यादा अच्छी तरह से थैंक यू नहीं बोल सकती थी। तो मैं आपको थैंक यू बोलने आई हूँ। मेरे हस्बैंड लास्ट ईयर यहाँ आए थे, उनके साथ मैं भी आई थी, इनका वज़न करीब 20 किलो घटा है। 20 किलो घटाया है, किडनी ठीक किया है, सब आपकी देन है, आपका आशीर्वाद है। मेरी माँ 2014 में डेथ बेड पे पड़ी थी, उनको CO2 करीब 99% था, 99% बहुत होता है, 1% बचने का चांस था। पापा ने उनको बोला कि आपके साथ बैठ के, वो मतलब पापा के साथ मम्मी बैठ करके योग करती हैं आज भी सुबह 4 से 6 ज़रूर करती हैं, और एक भी दिन मिस नहीं करती, ना पापा ना मम्मी। इसीलिए मेरे हस्बैंड ने आपसे बोला था कि पापा ने हमें भेजा है, और पापा का इतना ज़्यादा ट्रस्ट है आपके ऊपर कि वो अपने ही नहीं करते, अपने साथ जितने लोग रहते हैं सबको योग कराते हैं और हमें भी मिस नहीं करने देते। बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे ना एक परिवार के परिवार तैयार हो गए कि पिता माता पुत्र पोते, अब इनके बच्चे भी आए हैं, 3 पीढ़ियां तो इन्हीं के घर में मैं देख रहा हूं। ट्विन्स आए हैं गुरुजी, और एक ने आपसे बात की तो दूसरा, दोनों में देख रहा था एक जैसे ही लग रहे थे, एक ने आपसे बात की तो दूसरा कहता है मुझे तो देखा भी नहीं, वो एकदम उदास हो गया। आज कहां है वो? वो उनको लेके नहीं आए, वो सो रहे थे। हम क्या अभी स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे। और दूसरा एक और चीज़ गुरु जी, अच्छा वो स्वामी जी करो सूक्ष्म मैम, कर लो लंबे लंबे सांस ले लो। मेरी माँ है, उनको मोतियाबिंद हुआ है, तो उन्होंने कहा आपसे पूछने के लिए कि वो क्या करे, उनके आँख से पानी बहुत गिरता है। वो जो अपनी दृष्टि आई ड्रॉप है ना, वो पक्का, और आँख का ये पॉइंट भी साथ साथ दबाते रहे, ठीक हो जाएगा। धन्यवाद, खुश हो बेटा। देखो अब मुझे, क्योंकि अब आज के सेशन को पूर्णता प्रदान करनी है, हम कभी भी कोई काम बंद नहीं करते, क्या नहीं करते, क्या शब्द बोलते हैं, पूरा करो। पूर्णता के साथ करना है, अभी इसको भी सेशन को पूरा करेंगे, लेकिन अभी आपको करना है। एक बहन और भी कुछ कहना चाहती है, चलो उसको दे दो, फिर बाकी अगली बात आगे बढ़ा देंगे, गोल गोल घुमा लो। और पूर्णता इसके साथ प्रदान कर रहा हूं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम लीली है और मैं लीली मैं सिलवास से आई हूँ। मुझे क्रोनिक हेपेटाइटिस हुआ है। हेपेटाइटिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस। एक्चुअली मुझे 2 साल जॉन्डिस हुआ था, दो बार, फिर उसके बाद डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आया, फिर उन्होंने MRI CT scan सारा टेस्ट करवाया, फिर उनको उसमें भी कुछ समझ भी नहीं आया कि क्या बीमारी है। फिर जब लिवर बायोप्सी हुआ है तब उनको पता चला कि मुझे क्रोनिक हेपेटाइटिस हुआ है, और 1 साल से मैं दवा ले रही हूँ, वो दवा इतना स्टीरॉयड है कि मुझे उससे दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। जैसे अब कितने दिन में है? मैं आज लास्ट डे है, मैं 7 डेज के लिए आई हूँ। अभी तुम्हारे को लक्षणों में कुछ परिवर्तन दिख रहा है अपने? हाँ स्वामी जी, एक्चुअली मेरा जो हेमोग्लोबिन रिड्यूस हो रहा था वो बढ़ा है यहाँ पे आके। तो लक्षणों में तो देखो, लक्षण जो थे जैसे मुझे वोमिटिंग का सिम्टम था, फिर यूरिन येलो होना, उसमें थोड़ा फर्क पड़ा है। फर्क अब पड़ा देखो है। हेपेटाइटिस बोलो, क्रोनिक हेपेटाइटिस बोलो, हेपेटाइटिस ABC बोलो, लीवर फंक्शंस डाउन चले जाते हैं। जो आपको लिवोग्रिड दिया खा रहे हो पहले दिन से? यहाँ पे मुझे भूमि आंवला का जूस दिया जा रहा है। मैं पूछ रहा हूँ लिवोग्रिड खा रहे हो? नहीं नहीं स्वामी जी, नहीं खा रहे। लिवामृत भी ले रहे हो? नहीं नहीं ले रहे हो। ये इसलिए मैं कह रहा था डॉक्टर साहब, ये सारी औषधियाँ देखो अब आपको देंगे यहाँ से, मैं इसलिए बोल रहा हूँ।
स्वामी जी और कुछ बोलना है? मुझे बोलना है कि मुझे, मैं जो वो जो एलोपैथिक दवा ले रही हूँ, मुझे उसे बंद करना है क्योंकि उससे मुझे बहुत कॉम्प्लिकेशन। पूरी बंद कर दो आज से। एक्चुअली वो डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं अगर बंद करती हूँ तो मुझे वो जो एलएफटी का लीवर का जो फंक्शन है एलएफटी, वो बढ़ जाता है एकदम से। आपका कोई वायरस लोड नहीं बढ़ेगा, किसी भी तरह की कोई चीज नहीं बढ़ेगी। जो यहाँ आपको दिनचर्या देगी 100% उसको फॉलो करना जी सर। और लिवोग्रिड खाली पे लिवामृत खाने के बाद जी सर, और ये जो अनार चुकंदर और गाजर आदि सुबह खिलाते हैं, मुनक्का अंजीर खिलाते हैं, थोड़े लेते रहना। खाने पीने पर पूरा ध्यान रखना जी स्वामी जी। दो या तीन महीने मेरे पास बाद आएगी दोबारा, मैं मार्च महीने में फिर से आना चाहती हूँ। और मैं तू सारी दुनिया के सामने कह रहा हूँ मां आस्था के माध्यम से, तू ठीक होकर के आएगी, खाली बताने के लिए आएगी, ठीक होने के लिए नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं बहुत भोगी हूँ इसमें। मैं कभी कभी बहुत एकदम थक जाती हूँ, कोई एनर्जी नहीं रहती है मेरे इसमें। नहीं बेटा, इसमें होता ही है ना ये। मुझे देख कर कोई लगेगा ही नहीं कि मैं इतनी बीमारी लेके चलती हूँ। बहुत एनर्जी रहती है, कभी कभी बहुत बीमार हो जाती हूँ। मेरा बच्चा बोलता है मम्मा आपको क्या हो गया? कुछ नहीं, तुम ठीक हो जाओगे ना। ये मैं इसलिए बुलाया मैंने, यहाँ हेपेटाइटिस के और भी मैंने रोगी मैंने बुलाए हैं, और मैं हेपेटाइटिस के हजारों लोगों को ठीक कर चुका हूँ। जैसे कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं, जैसे कैंसर के मान लीजिए मेरे पास 100 रोगी हैं, तो उसमें से मैंने 50 भी बचा दिए, तो 50 तो मरने से बचाए, लेकिन ये तो 100% बचेंगे। हेपेटाइटिस का एक भी रोगी धरती पर नहीं बचेगा, हेपेटाइटिस का। धन्यवाद। मैं तेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ लीली, औरों के लिए भी बोल रहा हूँ। यहाँ हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस और जो है फैटी लिवर, तीनों के रोगी बहुत हैं। लीली यहीं पर है। आपसे बोलना है कि मैं कैसे अपना रूटीन कैसे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया हुआ है ना, यहाँ खान पान का तो वही रखना, और दवाई मैंने अभी बता दी है। डॉक्टर अनुराग जो है वो आपसे, उनसे और मिल लेना, अभी है सेशन के बाद ही मिल लेना यहाँ पर, ठीक है? जाने से पहले सब दवाई लेके जाना, यहाँ पर है उपलब्ध है जी स्वामी। और मेरे पापा जो है आपके बहुत बड़े मतलब आपको मानते हैं, वो हमेशा सुबह उठ के आपके योगा करते हैं। आज उनका एज 70 है, लेकिन एकदम अच्छे है, तंदुरुस्त है, और हमेशा आपको याद करते हैं। उन्होंने मुझे बोला है कि उनको भी मेरा आशीर्वाद कर रहा है, ठीक है? ठीक है लीली, बहुत बहुत धन्यवाद।